चलो दोस्त, आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं एकदम तगड़े वाले गुड न्यूज से। आपको पता भी है, बिहार के राजगीर में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम का ओपनिंग कर दिया गया है। और ओपनिंग में भी सबसे गुड न्यूज वाला बात यह है कि उसमें हॉकी खेला गया। हॉकी में भी बिहार के साथ साथ कितने इंटरनेशनल प्लेयर बिहार आए थे और वहां पर कितने सारे लोगों को रोजगार तो दिए। बिहार का दुनिया में झंडा गाड़ दिए कि मैच हुआ है तो बिहार में हुआ है। खैर, स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का है। हमको तो उस दिन मजा आएगा जिस दिन इंटरनेशनल गेम, बड़ा वाला गेम जो है वो क्रिकेट का बिहार में होगा, जहां विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और बड़े बड़े प्लेयर आएंगे। और उस दिन तो भैया हम जरूर जाएंगे मैच देखने। खैर, राजगीर चल रहा है मैच देखने जब होगा तो, नीचे कमेंट करके यस जरूर लिखना अगर चलना है तो। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे बिहार के नए नवेले डीजीपी सर के बारे में, और ये हैं आलोक राज। आपको बता दें, ये जैसे ही नियुक्त किए गए डीजीपी पद पे बिहार में, तब से ये बहुत तेजी से चर्चा का विषय बन गए। और चर्चा से विषय बनने का जानते हैं रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। भीगी भीगी रातों में तड़प तड़प के। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि ये टी सीरीज से गाना गा दिए हैं और इनको बिहार का डीजीपी बनाया गया है। और उसमें भी लोग इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इनके हाव भाव बातचीत से लग रहा है कि बिहार के पुलिसिया व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर देंगे। और कोई भी आम इंसान डायरेक्ट डीजीपी के ऑफिस में जा सकता था, ऐसा किसी डीजीपी ने आज तक नहीं बोला था। बिहार की आम जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि डीजीपी का कार्यालय और डीजीपी का कक्ष आपके लिए खुला है। भाई साहब, आज हमारे पास इतना ज्यादा तगड़ा तगड़ा गुड न्यूज है ना कि ये दो गुड न्यूज बता के ही मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। चलो तीसरा गुड न्यूज भी आपको सुना ही देते हैं। पटना के बाद अगर सबसे ज्यादा आबादी वाला कोई सिटी है तो वो मुजफ्फरपुर है। और यहाँ पे मेट्रो आने वाला है, मेट्रो आने वाला है, ये तो आप सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे न्यूज में। लेकिन अब इसके रूट को भी फाइनल कर दिया गया है और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पहला रूट, ये है दूसरा रूट। अति उत्साहित होने का जरूरत नहीं है, अभी मेट्रो आने में एक दशक से ज्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन ना कुछ से अच्छा कुछ तो सही, आए मुजफ्फरपुर में मेट्रो चला जाएगा हम लोग घूमने। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं मनीष कश्यप और नागेश सम्राट के बारे में। आप देख ही रहोगे किस तरीके से नागेश सम्राट और मनीष कश्यप का तगड़ा वाला कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे मनीष कश्यप। और नागेश सम्राट जो है वो लगातार वीडियो बना बना के मनीष कश्यप को बोल रहे थे और लोगों को लग रहा था कि इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या ये ठीक हो गया? देखो, हुआ ये कि नागेश सम्राट के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और ब्रह्मभोज का कार्यक्रम था जहां पे वीडियो के माध्यम से अपील करके लोगों को बुलाए थे, जहां पे मनीष कश्यप भी फूल चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि नागेश सम्राट और मनीष कश्यप के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। खैर, दोस्ती बनी रहे और सब लोग प्यार से रहे और मनीष कश्यप खूब नाम करें नागेश सम्राट के साथ साथ। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के बारे में। और जब भोजपुरी के बारे में बात हो रहा है तो पवन सिंह के बारे में बात कैसे नहीं होगा। भोजपुरी के लाल पावर स्टार पवन सिंह ने जाकर बॉलीवुड में झंडा धांस दिया है। गाना नहीं है, मात्र 4 सप्ताह का समय बीता है और आई नहीं गाना जो है वो कंप्लीट कर लिया है 104 मिलियन और गेनिंग। अभी कहां कहां करो कहानी के कल्पना के निखे जा सकत, कहां कहां करिए पवन सिंह। इतना ही नहीं, हमको लगता है भोजपुरी का गोल्डन टाइम आने वाला है। देख ही रहे थे खेसारी लाल यादव का किस तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा था, 1 मिलियन व्यूज लाने में हालत खराब हो जा रहा था। वही खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एक गाना लेके आते हैं और हल्के से गाने पे 2 मिलियन व्यूज चला जाता है मात्र एक दिन में। वेल डन खेसारी लाल यादव। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के फिल्म सूर्यवंशम के बारे में। लिटरली सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया ये फिल्म। ये फिल्म का टैगलाइन तो आपने देखा ही था, बड़का ना बढ़िया। और सच में ये बड़का तो है ही, साथ साथ बढ़िया भी फिल्म निकल गया। रिकॉर्ड कमाई, सबका पर्दा तो एकदम फाड़ के रख दिया ये फिल्म। आपको बता दें, लिटरली भोजपुरी के सभी लोग जो है वो फिल्म के बारे में तारीफ कर रहे हैं, रिव्यू भी बहुत ज्यादा तगड़ा है और ये फिल्म कमाई का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस पर हमने एक तगड़ा वाला रिव्यू बनाया है, डेडिकेटेड रिव्यू बनाया है। उम्मीद करते हैं हमारा भाई सब तो ऐसे ही देख के शेयर कर दिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं देखे और अभी इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है, इस वाले वीडियो में ही जाके आप देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को इत्मीनान से अंत तक देख लीजिए, अभी आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में। लगातार बैक टू बैक टू बैक टू बैक सारा कहानी सुन ही रहे होंगे। और अभी जब प्रमोद प्रेम यादव ने अपना पक्ष रख दिया उसके बाद ये मैटर क्लोज है। लेकिन प्रियंका राय ने अब खेसारी लाल यादव को अपना सहारा मान लिया है, खेसारी को ही अपना सहारा मान के अब अपना जीवन आगे चलाना चाहती है। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक रील डाला, रील में दर्द भरा एक लाइन लिखा और लाइन के पीछे था खेसारी लाल यादव का गाना। मतलब ये बताना चाहती है कि खेसारी लाल यादव कितने बेस्ट पर्सन है जो
लाइनों के माध्यम से दिल के फीलिंग्स को बता देते हैं जो दुनिया नहीं समझ पा रहा है। लेकिन ये चीज लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि क्या यार, मतलब एक तो आप दुख में हो और ऊपर से रील बना के सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो। केस तो कर दिया है ना, बाकी ऑडियंस भी आपका सपोर्ट कर ही रहा है, तो फिर ये क्यों बिना मतलब का बकवास करना। खैर, ये करना सही था गलत था ये आप जरूर बताइए कमेंट में। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूट्यूबर के एक और गुड न्यूज के बारे में। देखो आपसे कह रहे हैं अभी भी समय है, अगर कुछ नहीं करते हैं, वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो प्लीज वीडियो बनाइए और खूब सारा सब्सक्राइबर जोड़िए। देख रहे हैं ना किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कहा है कि हम इन्फ्लुएंसर को 8 लाख तक का महीना देंगे। अब कर्नाटक के सरकार ने भी इस चीज को फाइनलाइज कर लिया है कि हम भी अपने इन्फ्लुएंसर जो हमारे राज्य के इन्फ्लुएंसर होंगे उनको 5 लाख रुपया तक महीना देंगे उनके फॉलोअर्स के हिसाब से, जो हमारी सरकार के पॉलिसी के बारे में लोगों को बताएंगे और यहां के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। देखो हमको लगता है ये धीरे धीरे हर राज्य में किया जाएगा, अगर बिहार में भी कर दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा, हमारे इन्फ्लुएंसर भाइयों का बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हमसे सवाल पूछो ना यार इंस्टाग्राम पे आके। ये रहा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हेलीकॉप्टर। अरे भैया पता है आप हेलीकॉप्टर देखे होंगे जब भी आपके गांव शहर में नेताजी आते होंगे तब, लेकिन इस वीडियो में दिखाएंगे आसमान से सीधे धरती पे गिरा हेलीकॉप्टर और ये गजब का सीन है। मतलब आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। होता यह है कि केदारनाथ में लैंडिंग के समय एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर जाता है और 2 महीने से पड़ा रहता है। वहां पे एक दूसरा हेलीकॉप्टर आता है इसको ले जाने बनवाने के लिए और लेके ऊपर उड़ जाता है और आसमान में ही भयानक वाला क्रैश हो जाता है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वायरल बच्चे के बारे में। देखा ही था किस तरीके से किडनैपर्स जो हैं इनको पकड़ लेते हैं और जब पुलिस छुड़ा के इनके फैमिली को देता है तो ये बच्चा फैमिली के पास ही नहीं जाता है, कहता है कि ना हम किडनैपर के पास ही रहेंगे। और ये वीडियो तगड़े तरीके से वायरल हो जाता है और लोग को लगता है बताइए किडनैपर कितना अच्छा था कि उन खाना पीना खाना खिलौना सब देता था। लेकिन अब देखो इस मामले में तगड़ा वाला खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि जब बच्चे को किडनैप किया गया था तो बच्चे का उम्र मात्र 11 महीना था। और एक और शॉकिंग चीज ये है कि किडनैपर और उस बच्चे के मां में रोमांटिक रिलेशन था और बताया जा रहा है कि किडनैपर का ही बच्चा है वो। और फिर से पूनम को अपने पास बुलाने के लिए किडनैपर जो है वो बच्चे को किडनैप किया था ताकि फोन करके हम अपने बातों को मनवा ले और पूनम जो इसकी पत्नी है उसको अपने पास बुला ले ताकि ये सारा फैमिली अच्छा हो जाए। और इसके वजह से ही वो बच्चा जो है वो जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि किडनैपर जो है वो अपने एकदम बेटे की तरह उस बच्चे को मान रहा था। तो अब देखिए पुलिस इसमें क्या खुलासा करता है, लेकिन बताइए क्या-क्या हो रहा है आजकल। चलो दोस्त अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का तगड़ा वाला वायरल वीडियो। कोई गाना है आपकी इंडस्ट्री में बिना भौजी के? हमारी इंडस्ट्री में बिना भौजी के हम ही गाए हैं। आप बताइए। धार्मिक गीत है लेकिन। वाह क्या बात है। निकलल बाड़ी नहा के भौजी जाता नी दबोचे मैया आशीर्वाद। पागल पागल हो गया। धार्मिक गाना है ये। मैया आशीर्वाद दा तो ठीक है, ये भाभी नहा के क्यों निकली है? चलो अगर यहां तक वीडियो को देख ली है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना दोस्त।